हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ मैथ्स की क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज अ कलेक्शन ऑफ टू नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलके रियल नंबर्स बनते हैं, और रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, जबकि 4/7 या 4/1 ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है, या इसके जैसे सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं जिनको भी p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दो तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं अगर हम p बाय क्यू को डेसिमल में एक्सपेंड करें। एक तो टर्मिनेटिंग वाले जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो रैशनल नंबर्स में आएंगे, जैसे एग्जांपल 4/5। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब है अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखें, 4/5 0.0 लगेगा, 5/8 = 40 और ये टर्मिनेट हो गया। मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.8, ये रुक गई, यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये रुक गया। टर्मिनेटिंग माने रुक जाना, टर्मिनेट होना, स्टॉप होना, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे नहीं बढ़ रहा। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं उन डेसिमल एक्सपेंशंस को भी, उन नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो 4/5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकते नहीं है लेकिन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नहीं होते, बार बार एक सेट ऑफ नंबर नहीं आता, वो इरेशनल नंबर्स में आ जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो कि रिपीट होते हैं, जो बार बार सेम नंबर आता रहता है, जब हम उसको डेसिमल में एक्सपैंड करते हैं तो हम उनको रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे 2/3। 2/3 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो 2/3 इससे डिवाइड करेंगे, 0.0, अब 3/6 = 18, अगेन 2 आ गया, फिर 0.0 लगाया, फिर 3/6 = 18, अगेन 2 आ गया, फिर 0 लगाया, 0.18, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.6666 एंड सो ऑन। इसको हम 0.6 पे बार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन रिपीटिंग है। इसमें एक नंबर या एक सेट ऑफ नंबर भी किसी में, अगर जैसे कोई और हम एग्जांपल ले सकते हैं, 0.4721, अगर ये भी बार बार रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल नंबर में ही आएगा। और ये 0.6, इसमें 6 रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल नंबर में ही आएगा। यानी कि 2/3 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर के ही एग्जांपल हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। कई बार ही क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। यस, 0 एक रैशनल नंबर है, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सभी नंबर्स को by 1 पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जितने भी होल नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स में नेगेटिव, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे भी आ जाते हैं। तो ये सारे भी हम by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे भी क्या है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स भी, जैसे ये हमने ऊपर देख ही लिया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये भी सारे रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और जितने भी नंबर्स जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, मगर रिपीट करें, उनको हम रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में लेंगे। तो दूसरे हमने जो किया था कि रियल नंबर्स की कैटेगरी में कौन सा आता है, इरेशनल नंबर्स।
अभी रैशनल नंबर किया है और अब है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जैसे रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर हैं, जितने भी ऑलमोस्ट प्राइम फैक्टर्स के स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना रुकते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 0.43124800123 4, या आप आगे कुछ भी इसके लिख सकते हो और ये चलता जाए। मींस ये ना तो रुके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एक सेट ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम उनको इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। रूट टू भी एक इरेशनल है, क्योंकि अगर हम इसको डेसिमल में एक्सपेंड करके लिखते हैं 1.414 एंड सो ऑन, तो ना ही ये रिपीट होता है ना ही ये टर्मिनेट होता है। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर ही है, लेकिन हम इसकी वैल्यू जो लेते हैं एक रैशनल लेते हैं, क्योंकि ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 3.142 एंड सो ऑन, 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो इरेशनल है। क्यों? क्योंकि 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। जो एक्चुअल में पाई की वैल्यू है वो क्या है? एक इरेशनल वैल्यू है। तो अभी हमने रैशनल और इरेशनल दो नंबर्स पढ़े हैं, अब हम देखेंगे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में सर्टन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता, ना नेचुरल नंबर ना होल नंबर, तो हम इसको, और हमने 5 इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर्स बीच में इंसर्ट करने हैं, तो हम इसको इक्विवेलेंट नंबर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। 6/6 से इसको भी और 2 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये न्यूमरेटर यहाँ पे 6 आ जाए, बेस सेम है, और यहाँ पे न्यूमरेटर 12 आ गया, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है। तो 6/6 जो कि 1 है और 12/6 जो कि 2 है, इसके बीच में हम नंबर्स फिल कर देंगे। 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये जो 5 रैशनल नंबर्स हैं, ये 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आ गए। इसी तरह से 3/5 और 4/5 के बीच में भी ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये भी कंसेक्यूटिव है, बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, तो इसको भी हम 5 ही इंसर्ट करने हैं, तो हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18/30, ये 24/30। 18/30 यानी कि 3/5 और 24/30 यानी कि 4/5 के बीच में अब हम 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 रैशनल नंबर्स इसके बीच में आ गए। तो इस तरह से कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने भी रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें डेसिमल एक्सपेंशंस पूछते हैं कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके डेसिमल्स में एक्सपेंड कीजिए इसको, और इसके टाइप क्या है डेसिमल्स की वो बताइए। ये हम करके देखते हैं। 35 है, इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं। 16, 14, 0, 1 16, 14, 0, 8 128, 1 212, 7 112, 8
80 एंड सो ऑन। ये पूरा यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ये रिपीट नहीं हो रहा बार बार, या चलता नहीं जा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो 35/16 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2.1875। और ये कैसी है, ये रुक गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0.01 11 9.0 88 अगेन 2.01 11 अगेन 9 0 8 88 एंड अगेन 2। सो ये दोबारा दोबारा ऐसा चलता रहेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो गया, 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 एंड सो ऑन, जिसको हम 0.18 पे बार भी लिख सकते हैं। और ये कैसा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में ये कैसा है, रिपीटिंग है, इसी वजह से ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रिपीट नहीं होता होता तो हम इसको इरेशनल नंबर कहते। तो इस तरह से हम डेसिमल्स में रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका टाइप भी बता सकते हैं कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो किस तरह के हैं। अब जो रैशनल नंबर्स हैं उनको बिना हम डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम अभी कंडीशन देखेंगे कि रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग हो, इसकी क्या कंडीशन है। तो कोई भी हम पी बाय क्यू रैशनल नंबर, पता है हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई भी रैशनल नंबर्स हैं पी बाय क्यू, पहले हम उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे ताकि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे वन के अलावा। और जो उसका डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू है, अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइज करें तो उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2, 5 या ये दोनों ही नंबर्स आ सकते हैं, उसके अलावा प्राइम फैक्टर्स में कोई और नंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, ये हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवाइड करे। 3/15 है तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 3 के टेबल पे 1/5 हो गया। अब नीचे 5 है तो इसका मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो 5 के में प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी टर्मिनेटिंग। जो इसका आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। हम इसको करके भी देख सकते हैं, 1/5 0.0 and 2 देन आ गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो देयरफॉर 1/5 की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 विच इज टर्मिनेटिंग। अब हम 4/45 देखेंगे, 4/45 भी क्या होगा, 4 और नीचे अगर हम इसको, ये कैंसिल नहीं होगा, ये लोएस्ट टर्म में है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको हम 5 × 5 लिख सकते हैं। अगेन ये जो दोनों है ये क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस विल ऑल्सो बी टर्मिनेटिंग अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब 4/7 ये लोएस्ट टर्म में है, इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते किसी भी और फैक्टर से, अपने लोएस्ट टर्म में है, और मगर यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, 7 है, तो डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2, 5 दोनों के फैक्टर्स आ सकते हैं, मगर उसके अलावा कोई और भी फैक्टर हो तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 4/7 0 + 0 = 5 35 5.0 7 = 49 1 again 0 1 = 7 3 again 0.0 7
फोर जा 28, टू पॉइंट जीरो, टू जा 14, अगेन 6 पॉइंट जीरो, एट जा 56, फोर, अगेन 4 आ गया, यहाँ पे 4 था, फिर से ये जो है ये आपका कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये इस पे हम ऐसे बार लगा सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई है 0.571428 पे बार, यानी कि ये रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5 या उस या दोनों के अलावा कोई और फैक्टर आता है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब हम ये फोर्थ एग्जांपल लेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे क्योंकि इसका एक कॉमन फैक्टर 3 है, 5/7। तो हम इस बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या है, 2 या 5 के अलावा कोई और यहाँ पे कॉमन फैक्टर, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रैशनल और इरेशनल के नंबर के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, कंडीशंस देखे कि रैशनल नंबर कब टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं बिना डिवाइड किए, और बाकी जो रेस्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।